ये मुरली जताने झोला दे मेरे तन मन में आग लगा दे ओ लगा दे ओ कन्हैया कोई मुरली जताने झोला दे। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, देखिए अभी हम गाजियाबाद से जा रहे हैं गोवर्धन जी, जो कि मथुरा जिले में पड़ता है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप सामने जो ये बोर्ड लग रहा है, तो बस अभी यहाँ से 26 किलोमीटर दूर रह गया है गोवर्धन जी। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं तो रास्ते में यहाँ पर हमें मिला है कि ये तालाब, तो ये देखिए बगले बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये तीन बगले बैठे हैं, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए फ्रेंड्स, बस अब हम आ ही चुके हैं और गाड़ी पार्क करने तो जा रहे हैं। हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है और हमने यहाँ पर ये ई रिक्शा कर ली है, तो भैया हमें सब जगह घुमाएंगे। तो हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा चालू हो गई है और परिक्रमा का पहला पड़ाव ये है दान घाटी का मंदिर। तो ये देखिए हम दान घाटी के मंदिर पे आ गए हैं और यहाँ से एंट्री है इसकी और हम इसके दर्शन के लिए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हो, दूध वगैरह भी यहाँ पर मिल रहा है चढ़ाने के लिए गिरिराज जी पर, तो यहाँ से आप खरीद कर चढ़ा सकते हो। फूल माला वगैरह सब चीज़ यहाँ पर बिक रही हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए मंदिरों में आपको पता ही होगा कि वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते हैं, तो जितना हो पा रहा है हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गिरिराज पर्वत जी को दूध वगैरह चढ़ा दिया है, तो अभी इनके बाहर आ गए हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जितना हो पा रहा है हम आपको वीडियो के थ्रू दिखा रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर भगवान जी के दर्शन कराएंगे हम आपको। तो देखिए ये गिरिराज जी मंदिर के विश्राम करने का कार्यालय है, यहाँ पे सब लोग भक्त लोग बैठ के आराम से साधना करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दान घाटी मंदिर से अब हम चल दिए हैं आगे के लिए। देखो फ्रेंड्स, गोवर्धन की परिक्रमा यहाँ से चालू हो चुकी है और हम आपको दिखाते हैं सामने गोवर्धन पर्वत। ये सामने पेड़ों से घिरा हुआ सारा गोवर्धन पर्वत है, ये सब भक्त लोग बैटरी वाली रिक्शा में ये परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए ये बंदरों को खिलाने के लिए चने और केले ये बेच रहे हैं भैया, राधे 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 राधे। मेरे तन मन में आग लगा दे ओ लगा दे ओ कन्हैया कोई मुरली जिताने झूला दे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू हो चुकी है और ये जो आपको छोटे छोटे से पिलर दिखाई दे रहे हैं, इन पर सभी पर राधे राधे लिखा हुआ है। दिखाती हूँ मैं आपको पास से। तो देखिए परिक्रमा करते करते ये बलदेव जी महाराज का कुंड आया है, इस भी हम आए हुए थे, इस भी रुके थे 2 मिनट के लिए, फिर अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए गाइज, ये बहुत ही बड़ा कुंड है, तो अगर आप इधर आ रहे हो तो आप इसके भी दर्शन जरूर कीजिएगा, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही। देखिए एक रास्ता ये इधर से भी जा रहा है कुंड के लिए और वहाँ सामने शायद दिखाई नहीं दे रहा है, बंदर भी उसमें नहा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर है, आओगे तो आप इसके भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बंदर हैं, मतलब कि क्या ही बताएं, बस बहुत ही बंदर हैं। लेकिन यहाँ के बंदर क्या है, परेशान नहीं करेंगे आपको, बस आप इन्हें खाने का सामान दे दीजिए तो ये बस आराम से खा लेते हैं। बाकी जैसे वृंदावन में तो क्या है, वहाँ पे आपके जैसे चश्मा ले लेंगे या फ़ोन छीन लेते हैं या पर्स छीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ भी सामान नहीं छीनते हैं, बस आप इन्हें खाने के लिए दे दीजिए तो ये आराम से खा लेते हैं। बहुत ही प्यारे से हैं, देखना कितने सारे बंदर इकट्ठे हो गए हैं। तो आपके भैया इन्हें कुछ चने और केले वगैरह खिलाएंगे।
तो बहुत ही प्यारे प्यारे बंदर हैं, बहुत सीधे हैं, सरल स्वभाव के हैं। अगर आप भी आओ तो बंदर को, गाय माता जी हैं यहाँ पर, सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खिला दीजिएगा, है ना। तो अभी देखिए आपके भैया यहाँ पर ये काले चने इन्होंने लिए हैं, तो अभी ये खिला रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सेवा इनकी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे पापा केले ले रहे हैं बंदरों खिलाने के लिए, पहले चने लिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स केले ले लिए हैं, ये देखिए बंदर बांटने भी नहीं दे रहे हैं, पहले से पहले बस झपट्टे मार रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है, बेचारे भूखे रहते हैं तो थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल जाए, अच्छी बात है, सबको भूख लगती है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत इन जीव जंतुओं को भी खाने के लिए जरूर दीजिएगा। ये ना मुंह में भर लेते अपने, हाँ अंदर करें, गले में रख लेते हैं, गले में। देखिए फ्रेंड्स अभी गर्मी बहुत हो रही है, तो अभी यहाँ पर हम रुक गए हैं और यहाँ बाबा जी से गन्ने का रस बनवा रहे हैं। देखिए जो ये परिक्रमा मार्ग का जो ये हिस्सा है राजस्थान में आता है, ये राजस्थान की सड़क पे हम चल रहे हैं इस टाइम। ये परिक्रमा मार्ग पे चले चलते एक और स्टॉप पे आ गए हैं, इसका नाम, इस जगह का नाम है कूसरी का लौटा। ये देखिए ये पूरा मंदिर है, इस मंदिर में हम दर्शन करेंगे और आगे की यात्रा हम तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही सुंदर ये मंदिर है पूछरी का लोटा, बहुत ही यहाँ पर शांति है। तो कौन कौन यहाँ पर आए हुए हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स यहाँ भजन चल रहे थे तो इसलिए आवाज़ को बंद करना पड़ा है, क्योंकि क्या होता है ना फिर कॉपीराइट आ जाता है वरना। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है फ्रेंड्स, और आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो सब भी आप मुझे बताइएगा। भगवान के सगा है ये, आठ सगाओं में से एक है, आठ सगा थे ना उनके, गोप सगा, गोप सगा, मधुमंगल, सुदामा, धनसुगा, मनसुगा, सूरदास, ये मधुमंगल है। भगवान जब ब्रज छोड़ के द्वार नाथ द्वारा गए ना, तो इनको यहाँ छोड़ गए, बोला आप यहाँ बैठ ही जाओ, जो भी भक्त दंडोती परिक्रमा लगाए उसकी साक्षी हाजिरी लेना। ये पूछरी के लौटा भगवान के सगा है, भगवान के आठ सगाओं में से एक है, उनके सखा थे रोग सखा, गोप सखा, मधुमंगल, सुदामा, धनसुखा, मनसुखा, सूरदास। जब मधुमंगल, ये मधुमंगल है, भगवान जब नाथ द्वारा गए तो इनको यहाँ विराजमान किया, बोला आप यहाँ बैठ जाओ, जो भी भक्त दंडोती परिक्रमा लगाएगा उसकी साक्षी हाजिरी लेना, और मैं एक क्षण लौट के जरूर आऊँगा मेरे में, बोल करके जब चले गए तो सखियाँ ढूंढती हुई आई हैं कि कन्हैया जी कहाँ गए, पूरा ब्रज सुना पड़ा। तो वो पूरे ब्रज में घूमी, घूमते हुए यहाँ पहुँची हैं, तो देखा उनका मित्र बैठा है, इनसे पूछते हैं, सखियाँ इनका पल्ला करती थी, ये उम्र में सबसे बड़े थे, सखियाँ पल्ला करती थी, तो आपस में सखियाँ बोली, इनसे पूछा तो नहीं, आपस में बोलने लगी, पहली सखी बोलती है कि दूसरी से कि तू पूछ रही, पहली सखी दूसरी से बोलती है कि तू पूछ रही, दूसरी सखी बोलती है तीसरी से कि तू पूछ रही, तो जगह का नाम पड़ गया पूछ रही, पूछ करके यहाँ से लौटी है तो नाम लौटा पड़ा है, इसीलिए इनको पूछरी का लौटा कहते हैं। धरन की जय। तो देखिए यहाँ से इस गेट से राजस्थान एंड हो जाएगा। अभी ये क्या आ गया भैया? उत्तर प्रदेश। अब ये हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, अब यहाँ से इस गेट से उत्तर प्रदेश चालू हो गया है। सो देखिए फ्रेंड्स इससे आगे की परिक्रमा हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।